खट्टी मीठी कहानियाँ। तुम कभी कभी मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने लगती हो कि मुझे तो अपनी माँ की याद आ जाती है। दीजिए, अपना हाथ आगे कीजिए। देखो, सारा दिन कुदाल और हल पकड़ते पकड़ते हाथ सख्त हो गए हैं। अच्छा सुनो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करने चलूंगी। अरे नहीं मेरी जान, तुझसे नहीं होगा। बहुत मेहनत का काम है, पसीने में भागते हुए, धूप में जलते हुए। अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी कर लूंगी। जाओ अब जल्दी से नहाकर आ जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। सुनो, सावधान रहना, यहाँ सांप हो सकते हैं। हाँ बाबा हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी दूरी बरकरार रखते हुए बीज लगाना, समझी? ठीक। अरे भीगो मत, जाओ उस छावनी के नीचे खड़ी हो जाओ। तुम भी चलो। अरे मुझे इसकी आदत है, तुम जाओ मैं करता हूँ। मुझे भी आदत है, मैं भी कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद इन्हें निमोनिया हो गया है, मैं ठीक होने के लिए दवाई लिख देता हूँ। दिन में 3 बार खिला देना। बेटा आओ आओ ना मेरे पास आओ, जरा मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़ने दीजिए ना। मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, वादा करो। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना जी। छाया की ये नींद उसकी आखिरी नींद थी, उसके बाद वो और नहीं उठी। कुछ दिन बीत जाने के बाद गणपत देखता है कि वो खेत का काम, घर का काम, बच्चा संभालना, ये सब अकेले नहीं कर पा रहा है। एक दिन अरे गणपत, इस बच्चे की तो रो रो कर हालत खराब हो चुकी है। अरे क्या करूं मौसी, इसी के लिए तो दूध लाने गया था। देख गणपत, इस तरह बच्चा संभालना, घर का काम संभालना, खेत का काम संभालना एक मर्द के लिए मुमकिन नहीं है। तुम्हें कम से कम बच्चे को छाया के पिताजी के घर छोड़ आना चाहिए। लेकिन मौसी, हम दोनों का ही इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो फिर गणपत तू एक और शादी कर ले। नहीं मौसी, मैंने मरते समय छाया को वचन दिया था कि उसके मरने के बाद मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे बच्चे के बारे में तो सोच, उसका क्या दोष है? और जब वो यहाँ कष्ट सह रहा होगा तो क्या स्वर्ग में उसकी माँ को अच्छा लगेगा? सुन, मेरी बहन की एक बेटी है माला, बहुत ही शांत लड़की है, वो तेरा घर और बच्चा दोनों संभाल लेगी, देखना। क्या हुआ, कुछ तो बोल। ठीक है, ये सब मेरे बच्चे की भलाई के लिए है। गणपत मजबूरी से राजी हो जाता है। कुछ दिनों में गणपत की शादी माया से हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन शादी के बाद से ही माला को ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए उसे काम करने में भी परेशानी होती है। वो जब भी कोई काम करने जाती है
तो अपने आप कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। एक दिन, अरे ये क्या, मैंने तो सुबह ही सूखी लकड़ियां यहाँ रखी थी चावल उबालने के लिए, तो फिर ये लकड़ियां भीग कैसे गई? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। क्या हुआ, बैठे बैठे क्या सोच रही हो, और तुमने अब तक चावल क्यों नहीं उबाला? अभी करने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे लकड़ियां बिल्कुल भीग कर नरम हो चुकी हैं। मतलब तुम बगीचे से भीगी लकड़ियां लेकर आई थी? नहीं, मैं तो सूखी लकड़ियां ही लाई थी, लेकिन बारिश भी तो नहीं हुई। तो फिर क्या ये लकड़ियां अपने आप ही भीग गई, या फिर ये किसी भूत का काम है? हा? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाओ दूसरी लकड़ियां लेकर आओ। जब छाया थी तब ये सब परेशानियां होती ही नहीं थी। ये क्या हो गया, इसे किसने गिराया है? कौन हंस रहा है? कुछ दिन बाद, खाना दो, मुझे भूख लगी है। जी अभी लाई। ये क्या, ये चावल तो बिल्कुल जल गई है। लेकिन ये कैसे हुआ, अभी तो मैंने बच्चे को इसी हांडी से चावल निकाल कर खिलाया, उसके बाद तो मैंने चावल को और चूल्हे पर चढ़ाया ही नहीं। सब कुछ भूल कर बैठे रहने से संसार नहीं चलता माया। छाया हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे हर पल खुशी महसूस होती थी, और अब देखिए, भले ही मैं दीदी जैसी सब कुछ नहीं कर सकती, पर इसका मतलब आप ऐसा कहेंगे उनके साथ मेरी तुलना करेंगे आप? तुलना नहीं तो क्या करूं? अब मैं समझा कि छाया मुझे हमेशा छाया की तरह संभाल कर रखती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब? मतलब दीदी अभी भी इस घर में छाया की तरह घूम रही है, इसलिए हर काम बिगड़ जा रहा है। खुद गलती करके भूत को दोष देना आसान है माया, धत तेरे की, अभी खाली पेट ही बस पानी पीकर सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कुछ दिन बाद, अरे दीदी आप, मुझे माफ कर दो दीदी, तुम नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में रहूं, तो मैं चली जाती हूँ, मैं ये तकलीफ और नहीं सह सकती। अरे जा जा, ये मेरा परिवार है, तेरा नहीं। माँ माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ माँ। ओ माँ, कुछ दिन बाद, बच्चे की देखभाल में फिर से परेशानी शुरू होती है। गणपत उसे सही समय पर खाना नहीं दे पाता है, बच्चा रोता है।
मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कहाँ हो? माँ नहीं है, चुपचाप बैठ, मैं खाना बना रहा हूँ। मुझसे बहुत बुरी गलती हो गई है बेटा, तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारे पास जरूर वापस लेकर आऊंगी। माला, माला, मुझे माफ कर दो बहन। कौन है? हाँ, तेरी स्वर्गवासी दीदी। दीदी? मेरी ही गलती थी बहन, मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा इतना कष्ट झेल रहा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी और अपना ये परिवार त्याग दूंगी। नहीं दीदी, तुम भी रहना, वो हम दोनों का परिवार है। तुम एक बड़ी दीदी की तरह हमेशा मेरी मदद करना। माँ, माँ, एक सांप, माँ। माला, आज तुम्हारी वजह से हल चलाने का काम इतनी जल्दी से हो गया। तो तुम्हें घोड़े पे बैठना है, बोलो। हाँ, बैठना है, बैठना है। घोड़े पर कौन चढ़ेगा, बोलो बेटा। मैं चढ़ूंगा, मैं।